नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शायना परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम उम्मीदवार में। आज हमारे साथ एक और उम्मीदवार मौजूद हैं जिनका नाम है महेंद्र खत्री जी। वार्ड नंबर 1 से ये भी अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और इसी को लेकर, चुनावों को लेकर हम इनसे खास बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। धन्यवाद जी, आपका मेरी खुशी है, मेरा सौभाग्य कि आप लोगों ने मुझे याद किया और मैं अपनी बात मन की बात रख सकूंगा। जी सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया कितना समय हो गया है और आपने किस प्रेरणा से इस पार्टी को ज्वाइन किया, क्या कौन सी चीज़ को प्रभावित हो? वैसे तो मैं स्टूडेंट लाइफ से 1971 से ही राष्ट्रीय छात्र संगठन है उसका सदस्य रहा हूँ। अलीपुर सिद्धानंद कॉलेज में चुनाव भी लड़े हैं जिसमें जीत भी हासिल हुई हैं। उसके बाद वैसे सक्रिय रूप में मैंने 1977 में कांग्रेस को ज्वाइन किया है सक्रिय रूप में, क्योंकि मेरी पढ़ाई ख़त्म उस वक्त हो गई और कांग्रेस उस वक्त हारी। लेकिन मेरे मन में एक ही बात आई, जैसे संजय गांधी जी के 5 सूत्र थे और इंदिरा जी के 20 सूत्री कार्यक्रम थे, जिनकी एक ही बात थी कि हम कैसे निचले से निचले तबके को ऊपर उठाएँ। जो उस वक्त उन्होंने मांग की थी वो आज आवश्यकताएँ हैं। परिवार नियोजन आवश्यकता है, वो जो वृक्षारोपण आवश्यकता है, मतलब इस तरह की थे जो बातें, वो आज उनकी आवश्यकता हो रही है, जिसकी सरकार आज लड़ाई लड़ रही है लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो इस प्रेरणा से एक मैं इकोनॉमिक्स का छात्र था, अच्छी अर्थव्यवस्था चल रही थी, देश में एक बदलाव था, तो इस चक्कर में हमने सोचकर कांग्रेस को ही मैंने पसंद किया, क्योंकि दूसरी पार्टियाँ तोड़ फोड़ में लगी थी लेकिन कांग्रेस को मैंने पसंद किया। हमने अपोजिशन थी हालांकि उस वक्त पे, लेकिन 28 महीने के बाद सरकार गिरी, फिर कांग्रेस की सरकार बनी। जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि शीला जी के चले जाने के बाद आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की नींव है वो कहीं कमज़ोर हो गई है? ऐसा है, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, नींव कोई कमज़ोर नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी सांप्रदायिक ताकतों से, तोड़ फोड़ से कभी समझौता नहीं किया। आपको याद होगा कि जब शीला जी थी तो एक निर्भयाकांड हुआ था, हमारी बहन बेटी के साथ निर्भयाकांड हुआ था। उस वक्त ये आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इकट्ठे हुए, बड़ा इन्होंने किया, हम लोगों ने, शीला जी खुद डायरेक्ट वहाँ गई, वहाँ जहाँ भी रामलीला मैदान वगैरह में जहाँ भी थे, उन्होंने वहाँ श्रद्धांजलि जी स्टूडेंट से बात भी की। लेकिन क्यों गई, क्यों कांग्रेस नहीं उभर पाई, क्यों गई? क्योंकि एक ऐसा माहौल रच दिया गया कि अन्ना हजारे जी, आदरणीय केजरीवाल जी, वीके सिंह जी, किरण बेदी जी और भी कुछ लोग जी, वे इकट्ठे हुए और आरएसएस की उनके साथ साठगांठ हुई। सारी बीजेपी और आरएसएस के लोग रामलीला मैदान में बसों को ले जाके भरते थे और आज वो हुई, एक प्रचार होता है, लोगों में सब तरह का प्रचार किया, कांग्रेस उस प्रचार में पीछे रह गई और हमारी सरकार उस टाइम गिर गई, नहीं जीत पाए हम लोग। लेकिन आज देखिए क्यों हारी शीला दीक्षित जी, आज वे लोग अपने सांप्रदायिकता के उस माहौल को पैदा करने में कामयाब हो गए, लोगों ने अच्छी चीज़ नहीं की। केजरीवाल जी आए, उन्होंने बहुत लुभावने नारे दिए, कहते थे मैं कुछ नहीं लूँगा, मैं एक आम आदमी हूँ, आज आप देख सकते कितना आम आदमी है। आज घर घर में, घर घर में ये देखिए, ठीक है हम कहते तू बाट 200 यूनिट बिजली नहीं, 500 यूनिट दे, कोई बुराई नहीं, लेकिन और सुविधाएं भी करो। आप देख सकते हो गली गली खड़ंजे चल के देखो, कोई सड़क नहीं बन रही, कोई गली नहीं बन रही, कोई नालियां नहीं बन रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है, सर आपके ठेके खोले जा रहे हैं, 850-800 ठेके खोल देना, एक दिल्ली को नशे की दिल्ली बना दिया गया है, पंजाब में जाके वादा करते हैं कि मैं यहाँ नशा मुक्त करूँगा, दिल्ली में क्या करते हैं, या घर घर पर ठेके खोले जा रहे हैं। तो इस प्रचार के कारण कांग्रेस आ रही, वरना कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी मजबूत है। लेकिन ठीक है, लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ सांप्रदायिक राजनीति चली हुई है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, दलित फलित ये सब चला रहे हैं, तो उस वजह से कुछ पिछड़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा है चाहे हम 50 बार आ रहे हैं, लेकिन हम इन सांप्रदायिक ताकतों से और ऐसे लोगों से समझौता नहीं कर सकते कि देश को तोड़ने वाले हों। हम लड़ेंगे, कांग्रेस के सिपाही हैं, सब खूब लड़ेंगे मजे से। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हर पार्टी इस बार चुनाव में दमखम के साथ उतर रही है और कई वादे कर रही है, लेकिन बीते 5 साल में यहाँ पर नरेला में जो निगम पार्षद ने ऐसा कौन से कार्य हैं जो नहीं किया, उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है? ऐसे सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप है,
कर्मचारियों को कोई सैलरी नहीं दी गई, कर्मचारी झीकते रहे कि बेचारों को ना त्यौहार पे मिलती थी ना कैसे कोई तनख्वाही नहीं मिलती थी। बीजेपी और आम आदमी दोनों मिलकर एक दूसरे की नूरा कुश्ती खेलते थे, वो उनके ऊपर आरोप लगाते थे हमारे इतने करोड़ रुपया नहीं दे रहे, वो कहते थे अगर भाई ये कुछ काम नहीं कर रहे, तो सिर्फ ये बातें थी, इस तरह की बातों पर ये लगे हुए हैं। और काम क्या किया, कुछ भी नहीं किया। बीजेपी वाली जो काउंसलर थी उन्होंने ना सफाई ना सड़कों पे ध्यान दिया, ना सफाई पे दिया है, ना जाम के ऊपर दिया है, किसी चीज़ पे भी कोई ध्यान नहीं दिया है, सिर्फ अपनी पेट भरने जेब भरने के लिए, इसके अलावा कोई काम नहीं उन लोगों ने किया, बस कोई भी नहीं काम। बीजेपी पार्टी और आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ उतर रही है चुनाव में और कह रही है कि इस बार हम MCD में सरकार बनाएंगे, कांग्रेस का क्या हाल है इस बार के चुनाव में? कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है दिल्ली के अंदर। हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी पूरी ताकत, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन वो बैठ जाते हो, रोजाना हमें भी आदेश देते हैं ये काम करो ये करो, हम लगे हुए हैं। शराब के ठेकों का सब ने हमने विरोध किया जी। पूरी दिल्ली में किया हमने, वहाँ पर जाकर विरोध किया। लेकिन ये क्या है अभी पीछे, ये सिर्फ क्या है, ये नौजवान जो बच्चे हमारे बेटे हैं बेटे बेटियाँ हैं वे चाह रहे हैं हम आज ही सब कुछ बन जाएँ, और वो उनको एक बहम है कि आम आदमी पार्टी के हुआ, वो सब ये कह रहे हैं होल्डिंग लगा के पूरा नरेला भर दिया गया है कि हम ही बस आम आदमी पार्टी को से। लेकिन प्रैक्टिकल जब आएंगे, गांव का लोकल इलेक्शन है, आम आदमी पार्टी कहीं नहीं ठहरेगी, बीजेपी तो अपने कर्मों से नहीं ठहरेगी, इन्होंने कुछ काम किया ही नहीं। आम आदमी पार्टी ने भी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की है, आपने देखा होगा ये पीछे जब वो कोरोना था जी। पिछले साल जो था, इस साल तो भगवान की ऊपर वाले की मेहरबानी रही है, पिछले साल आपने देखा होगा सड़कों पर लाशें वो थी, तड़पते थे लोग, ऑक्सीजन नहीं थी, बेड नहीं थे, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, लोग परेशान थे। लेकिन ये किस चीज़ लग रहे अपनी एडवर्टाइजमेंट में, अरे एक प्लांट ऑक्सीजन का कितने में लगता है, इतने कितने हज़ार करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट में फूंक दिया। अगर 10-20 प्लांट लगा देते तो हमारे भाई बहन दादा बुजुर्ग बच जाते, बहुत लोग मरे हैं, किसी के घर का मरा है, घर नहीं मरा तो रिश्तेदार मरे हैं, कितने लोग तड़पते थे, देखते थे TV पर, देखते जब आप लोग TV वाले दिखाते भी थे तो बड़ा दर्द आता था। लेकिन अगर उस टाइम पे ये कहते 70 साल को सुनकर, ये हॉस्पिटल जो बने हुए थे कांग्रेस के टाइम के बने, ना तो केजरीवाल ने कोई हॉस्पिटल बनाया ना मोदी जी ने बनाया, अगर ये हॉस्पिटल नहीं होते कांग्रेस के बनाए हुए तो ये देश का क्या होता, मर जाते हमारे सब। तो ये कुछ नहीं है, कांग्रेस बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगी और ये सब जनता समझ रही है, लेकिन हमारे देश की जनता बड़ी समझदार है, बोलते नहीं है, देख रहे हैं इनको। लेकिन लोग चाहते हैं तो ये हमारे लोग के लिए, हमें वो आदमी चाहिए जो हमारे साथ दुख सुख में खड़ा रहा हो, जिसको अनुभव हो। कांग्रेस अनुभवी और नौजवान और बहनें इनको सबको मिलकर उतारेगी, और उन लोगों को उतारेगी जिनका जनता में, जिनको ये होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं है, उनके चेहरा ही जनता जानती है। अगर कांग्रेस आती है तो क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी नरेला की बदलाव के लिए, नरेला की समस्याओं को दूर करने के लिए? नरेला के अंदर कितना भी कोशिश की गई है, वो भी पहले कांग्रेस की तरफ से की गई थी, जाम को ये रोड वगैरह इधर उधर निकाल लें, बाईपास निकाल लें, आगे भी सबसे पहले हम जाम की समस्या से लड़ना चाहेंगे। दूसरा, चाहे वो कॉरपोरेशन के अंदर नहीं आता हो लेकिन हम मेट्रो की समस्या से भी लड़ेंगे। अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, आपने देखा होगा पिछला जब चुनाव था पूरा नरेला भर दिया गया दीवारें, 50 लाख लोगों को फायदा अनऑथराइज कॉलोनियाँ पास, आज कोई जिक्र नहीं है जी। लेकिन अनऑथराइज कॉलोनियों में भी कांग्रेस काम करेगी, और कभी भी ना नौबत पहले आई है और ना आगे आएगी। सरकारी कर्मचारियों का कभी वेतन नहीं रोका गया, और सरकारी सफाई कर्मचारी जो बेचारे इस वक्त कम उठते हैं वहाँ सफाई करता है, उनके वेतन रोके गए। और इस बिल्कुल हम उसका ये काम भी करेंगे कि हमारे देश में भाईचारा बना रहे, सद्भाव रहे, और हर आदमी की पहुंच तक हम जाएं। और एक हम पीछे कांग्रेस ने किया था, ग्रामीण इलाके जितने हैं उनके हाउस टैक्स और अनऑथराइज कॉलोनियां हैं या पुनर्वास बस्ती हैं उनके हाउस टैक्स माफ़ किए जाएं, उनमें हाउस टैक्स नहीं लगाया जाए, और कांग्रेस ने काम किया भी था और आगे भी करेंगे। हर साल MCD में देखा जाता है कि जितने भी कर्मचारी हैं निगम के वो हमेशा धरना प्रदर्शन करते हैं, उनको पक्का करने को लेकर सैलरी नहीं मिलती, तो ऐसा क्यों सर? काम होता है करते हैं तो सैलरी तो देनी चाहिए ना, तो MCD में ये हर बार ये माजरा क्यों देखने को मिलता है? माजरा क्यों देखने पड़ता है? क्योंकि ये लोग दोनों पार्टियाँ चाहती नहीं कि समस्या हल हो जाएंगी तो लोग इनके पास जाएंगे नहीं, समस्या पड़ी रहेंगे इनके पीछे जाएंगे। और ये जो है सिर्फ
सरकारी कर्मचारी बेचारा सुबह उठ के काम को जाता है, उसको तनख्वाह नहीं मिलती। क्यों? कई कई हज़ार रुपया, कितने करोड़ रुपया ये एडवर्टाइजमेंट में लगाती हैं। कोई भी पेपर खोलो उसमें केजरीवाल जी का या मोदी जी का या किसी किसी एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं। अगर इस एडवर्टाइज के पैसे को ख़त्म करके नेशनल टीवी है, नेशनल टीवी के ऊपर मौका दिया जाए, पार्टी को भी बात रखो और कोई एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च नहीं होगा तो एक भी समस्या नहीं, किसी को पैसे की कमी नहीं पड़ेगी और काम पूरे होंगे। इस बात की कोशिश भी हम लोग करेंगे, अपनी पार्टी में उठाएंगे इन बातों को, क्योंकि नेशनल टीवी को तो सब सुनते हैं। नेशनल टीवी जो है ग्रामीण इलाकों में जाता, हर एक के पास जनता ऐसी समृद्ध नहीं है कि ग्रामीण इलाकों में वो केबल लगाए। नेशनल टीवी को और कोई देखता है तो उसमें हर पार्टी को मौका दे दिया जाए बात करने का। एक प्राइम मिनिस्टर बोलता है नेशनल टीवी को सब सुनेंगे, उनके अपनी प्रचार हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कई कि लाखों करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया जाता है और वो पैसा देश के भले में, बच्चों के भले में, स्कूलों में, हॉस्पिटल में लगाया जा सकता है। नरेला का अंडरपास कहने को सबसे महंगा अंडरपास है, लेकिन हर साल जब भी मानसून आता है तो इस अंडरपास की तब्दीलियत हो जाती है स्विमिंग पूल में, तो ये ऐसा क्यों होता है? पैसे आते हैं, मेंटेनेंस का पूरा खर्चा आता है, तो उस पर खर्च क्यों नहीं होता? और इसकी हालत तो बद से बदतर है, बाकी दिल्ली के अंडरपास देख लीजिए और नरेला का अंडरपास देख लीजिए। ये सिर्फ नेतृत्व की कमी रही है, नेतृत्व ने कोई ध्यान नहीं दिया। अभी एमसीडी ने बनवाया था लेकिन एमसीडी ने ये नहीं देखा कि ये पानी इधर का जाएगा या ये स्विमिंग पूल बन जाएगा, उसकी निकासी कोई नहीं है, बगैर निकासी के कर दिया गया, इसकी देख रेख नहीं होती। अभी भी हाथ एक्सीडेंट होते रहते, बीच में अंदर लाइट का सिस्टम नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं, एक ना के बराबर है। इससे ऐसा नहीं होता तो अच्छा था, अब दुर्घटनाएं भी होती हैं, पानी भर जाता है तो कभी ना कभी पानी है तो दीवारें भी कमज़ोर हो सकती है, ऊपर से ट्रेन जाती है गिर भी सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है। तो ये बिल्कुल लापरवाही है, अकर्मण्यता है, इनको होश नहीं है कैसे काम किए जाते, इनको पता नहीं है। कांग्रेस ने राज किया है, ढंग से किया है, काम किया है और बाकायदा इंजीनियर है तो इंजीनियर काम करेगा, उसके ऊपर थोपी नहीं जाती थी बात। ये बात थोपते हैं ऐसे नहीं, ऐसे कर दो, ऐसे काम नहीं होते। इनको अनुभव नहीं है, काम करने का तरीका नहीं है, सिर्फ सांप्रदायिक भावना बटा, हिंदू मुसलमान राम मंदिर मस्जिद, सिर्फ इनके अलावा इनका दिमाग और कहीं नहीं चलता, इसलिए प्रॉब्लम है। अगर सरकार हमारी बनती है तो इसके विषय भी सोचा जाएगा कैसे इसका और सुधार किस ढंग से हम किया कर सकते हैं, ये सोचा जाएगा। जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि दिल्ली की बात करो तो दिल्ली के अंदर हर जगह मेट्रो आ गई है, लेकिन नॉर्थ एरिया में अब तक मेट्रो नहीं आई। हरियाणा यूपी तक मेट्रो चला गया लेकिन अब तक इस पोर्शन में, नॉर्थ एरिया में मेट्रो नहीं आया, ऐसा कारण क्या है? अब तक क्यों नहीं आया? आपने देखा होगा, अगर पहले भी आप हो तो, तीन चार इलेक्शनों से मैं देख रहा हूँ, भाजपा का जो भी यहाँ विधायक का उम्मीदवार होता था या कॉरपोरेशन का होता था, वो हर बार टीवी चैनलों पर जो जैसे आते हुए इलेक्शन के टाइम पे, उनमें बोलता था हमने मेट्रो के लिए कर लिया, मेट्रो के लिए कर दिया, मेट्रो के लिए कर दिया। लेकिन जिस टाइम शीला दीक्षित जी थी और जगदीश टाइटलर जी थे सेंटर में मिनिस्टर, उस टाइम पर ये हमारी नरेला की मेट्रो फोर्थ फेस में रखी गई थी जी। जो फोर्थ फेस अब चला गया, इन लोगों ने ये ड्रामा करके आम आदमी पार्टी भी, ये भी क्यों, कांग्रेस के तो मेंबर रहे नहीं, ये फोर्थ फेस से भी इन्होंने कोशिश नहीं की कि फोर्थ फेस में मेट्रो आ जाए, फोर्थ फेस चला गया। अब पता नहीं मेट्रो कब आएगी, हर बार भरते थे, हर बार यही कहते थे मेट्रो दोनों तरफ से आ रही है, बवाना से भी आ रही है, जहांगीरपुरी से भी आ रही है, वो बिल्कुल करके ख़त्म कर दे। इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी ढंग से, ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम कॉरपोरेशन में आएंगे तो हम दूसरी बात नहीं कर सकते। एक गली का कोई व्यक्ति नागरिक भी शिकायत कर सकता है, उसकी एफर्ट्स कर सकता है, हम भी करेंगे। अगर हमारी पार्टी जीतते तो नुमाइंदे करेंगे भी, मेट्रो भी लाओ हमारे यहाँ। अरे बहादुरगढ़ से किससे आधा करोड़ तक चली गई, इधर खट्टर साहब लेके जा सकते हैं, नरेला इंडस्ट्री एरिया है, बादल इंडस्ट्री एरिया वहाँ से इधर आ सकती है, जहांगीरपुर ये रोड पर जा सकती है, रैपिड ट्रेन का भी ये पास है ये रूट। लेकिन वो जो हर चीज़, हर स्कीम जो है ना ठगी, कहने का मतलब ये है टूट गई विकास की डोर, अब चलना पड़ेगा लोगों को कांग्रेस की ओर, तभी उद्धार होगा, तभी देश का भला होगा, दिल्ली का ही भला होगा। जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जाते हैं और लोगों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी गलियां नहीं बनी, नालियां नहीं बनी, जो कि एमसीडी का काम है। कई लोग ऐसे भी हैं तो जब जाते हैं कंप्लेन करने तो एमसीडी कहते हैं कि हमारे अंडर में नहीं है, ये डीडीए में है। तो क्या निगम पार्षद का कोई दायित्व है नहीं क्या इसके प्रति? क्या इन्होंने कोई वोट नहीं दिया क्या? वो भटकते रहते दर बदर, उनको पता ही नहीं कि किसके पास जाए किसके पास नहीं। जो नालायक और अकर्मण्य हो ना आदमी, वो ही इस तरह की बात करते हैं। अगर एक चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो उस इलाके की जनता ने चुना ना, वो उनकी जनता, उनकी समस्याओं के लिए
प्रधानमंत्री से भी टकरा सकते हैं हर किसी से बात कर सकते अगर उनके अंदर शक्ति हो तो। ये तो एक बहाना है, हमारी ताकत नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। अरे हाथ में तो एक गांव का आदमी भी एप्लीकेशन लगता ढंग से सही चैनल पर उसने भेज दी एप्लीकेशन तो उसका जवाब जरूर देना पड़ेगा चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उनको अपना जवाब भेजना पड़ता कि आपका पत्र यहाँ भेज दिया यहाँ भेज दिया। ये लोग करते ही नहीं, सिर्फ सुविधा शुल्क में लगे रहते हैं, कैसे सुविधा शुल्क आए कैसे नहीं आए और कुछ नहीं। नरेला के अंदर आपने देखा होगा कि नर्सिंग कॉलेज बना लेकिन वो आज तक कभी चालू ही नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? इच्छा शक्ति नहीं है इनकी, बोलते ही नहीं जाके बाहर हाउस में बोलते नहीं। अरे हाउस में कुछ भी है आप सुना लोगों ने, बैठ जाओ वहाँ धरना दे के हाउस के अंदर ही जाके, मीडिया में भी आएगा सब जगह आएगा, और जब मीडिया में आ जाता है तो बात उनको जवाब देना पड़ता है। इनकी इच्छा शक्ति नहीं है और कुछ नहीं है। अब क्या हुआ, अब देखा चलो भागो भागे आम आदमी भाग गई। और ये और मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, पिछली बार बीजेपी ने अपने सारे कैंडिडेट बदल दिए थे एमसीडी के, अगर आपको याद हो तो, अभी जो इनको सब की जगह दूसरे आएगा लड़ेंगे, क्यों कि वे नालायक साबित हुए थे भ्रष्ट हो गए थे। इस बार इन्होंने क्या चाल चली है, इस बार इन लोगों ने वही काम किया कि वैसे हटाओगे तो लोग कहेंगे या तो इसलिए जिस पहले हटाए थे ऐसे इस बार हटा रहे हैं। इन्होंने जो ये डिलिमिटेशन किया ना, परिसीमन किया है, इसमें इस ढंग से कर दिया कि वे सब सीटें बदल दी, वे सब सीटें इनके वे काउंसलर जो पुराने थे सब अपने आप बाहर हो गए। क्यों, जैसे यहाँ की सीट थी अब जेंट्स होगी, अगर ये सुविधा होती तो जेंट्स पे तो लेडीज़ को कम देते ना, पार्टियाँ सोचती यार जेंट्स सीट है बदल दी। इसी ढंग से कोई बाकनेर की सीट देख लो, वो जो या वो आगे अलीपुर की, जो सब सीटें बदल दी गई हैं, वे बदल दी ताकि इनके जितने भी काउंसलर थे वे अपने आप बाहर हो गए, अब दूसरी जगह से लड़ना चाह रहे हैं। ये भी एक स्कीम है, अगर अपने भ्रष्ट काउंसलरों को निकम्मे काउंसलरों को अब इन्होंने बचा लिया, अब कह रहे हैं हम तो बदल दिया पर इसी मन में आ गया। नहीं तो अगर आप भी यही करते कि नहीं उनको नहीं दिए जाएंगे टिकट जो पहले, तो ये तो एक पूरा एक ये गठरी बांध के बैठे हैं कैसे हमने भ्रष्टाचार करना है और कैसे इसको दिल्ली को बर्बाद करना है। दोनों पार्टियां नूरा कुश्ती कर रही हैं, इनका काम पे ध्यान नहीं है, एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान है, सिर्फ चेहरा दिखाई देना चाहिए लोग कहीं जाए। 15 साल से बीजेपी एमसीडी में है लेकिन अगर मैं एमसीडी स्कूलों की बात करूँ तो बहुत ही खस्ता हालत है और एजुकेशन के मामले में तो बहुत पीछे है, क्या कारण है? कारण का ध्यान नहीं है, सब जा रहे बच्चे को प्राइवेट में, जला गरीब स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में कौन रहेगा, सिर्फ वे बच्चे रहेंगे जिनके माँ बाप अब खर्चा नहीं उठा सकते हैं, सुविधाएं नहीं है, टीचरों पर ध्यान नहीं दिया जाता, टीचरों के ट्रांसफर कहीं से कहीं कर दिए जाते हैं, मतलब उनको भी पूरी सुविधाएं नहीं है और स्टूडेंट्स को वे सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। टीचर को सुविधा नहीं होगी, एक टीचर 50 किलोमीटर दूर से चल के आता है, 50 किलोमीटर उसको जाना है 50 किलोमीटर आना है, अरे उसको नज़दीक उसका ट्रांसफ़र करो ना ताकि वो टाइम से आए टाइम से जाए, फिर सुपरविजन अच्छा हो, कंपटीशन करें कि सब बकवास कर रहे हैं दिल्ली के स्कूलों की सुन लो, प्राइमरी की कह रहे हो आप वैसे दिल्ली के स्कूलों की सुन लो, कह रहे हमने कमरे बना दिए स्कूल बना दिए, नहीं ये लेंटर है, ये किसी सरकार ने लेंटर बना उसको कमरे बना दिए, इन्होंने क्या किया है ये लेंटर को तोड़ के उन कमरों में गाटर डाल दिए गाटर, और गाटर की जगह ऊपर सिल्ली कौन सी है जो लाल सिल्ली होती ना जो बिल्कुल कमजोर सिल्ली होती वे डाल के उनके ऊपर भी कमरे बना दिए। अगर इसका प्रत्यक्ष देखना चाहो तो अलीपुर के स्कूल में जाके देख सकते हो, लेंटर तोड़ के गाटर डाल दिए, गाटर के ऊपर फिर कमरा बना दिया, और ये सिल्ली कैसी है लाल जो भरने वाली होती है, लाल सिल्ली देखी होंगी आपने पत्थर की सिल्ली होती है जो लाल वो बिल्कुल कमजोर होती है, वे डाल दे रो बना रखे, ये तो सिर्फ करप्शन, ये भी करप्शन कर रहे हैं वे भी करप्शन कर रहे हैं, इनको पता गया तो आना नहीं, इनके दिमाग में अगली बार पता नहीं कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा क्योंकि रोटेशन का हिसाब है जी। इसलिए ये काम करना चाहते हैं सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं। सर मैं अगर नरेला की बात करूँ तो नरेला के अंदर जितने भी बरातघर हैं वो उनकी हालत काफ़ी खस्ता है और उस पर अब तक किसी ने ध्यान भी नहीं दिया किसी भी निगम पार्षद ने, और यहाँ तक कि जो क्लिनिक्स है वो भी काफ़ी उसकी हालत ख़राब है और डॉक्टर्स भी नहीं होते, लोग कंप्लेन करते कि डॉक्टर्स ही नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक की बात करूँ है तो नहीं है या तो फिर बंद ही पड़ा है, तो ये कारण बताइए। कारण क्या है, जो तो मोहल्ला क्लिनिक है वो भी एक कमाने खाने का एक रिश्वत का धंधा है इनका, वहाँ जाओ इसमें ये इस हॉस्पिटल ये पानी की टंकी इसमें चले जाओ दो गोलियाँ पकड़ा देते हैं। एक बार वहाँ मैं गया, मैं एक बार खुद भुक्त भोगी हूँ, मैं गया हूँ ये पंजाबी कॉलोनी के अंदर एक हॉस्पिटल है जिसमें मोहल्ला क्लिनिक भी और पुराना हॉस्पिटल है वो बुद्धो देवी के नाम से, मैं खुद गया, मैं यार चलो मेरा बीपी चेक कर दे वो कर दे वो कर दे,
आप करा के आओ। मैं कहा घर के क्या देख, आप चेक कर दो, शुगर भी कर दो। बोला वो ऊपर चलाओ जहाँ का कहीं आपने पहले देखा हो, अभी मैं नहीं है, मेरे को शुगर आप मैंने वो बीपी चेक करा, 200 बता रहे बहुत होता बीपी आप मेरे को दो। वो डॉक्टर मेरे से लड़ने लग गया, क्यों हम थोड़े सामाजिक आदमी हूँ, आगे कुछ लोग थे वे बीच में आ गए, एक नर्स बैठी थी वो बोली जो आप इतना क्यों बोल रहे हो, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ। वो कौन है डॉक्टर, वो उनके रिश्तेदार है, भाई भतीजे हैं, रिश्तेदारी के डॉक्टर लगा रखे हैं, सिर्फ उनको एडजस्ट कर रखे हैं और अपना चल रहा है। ये तो बिल्कुल मोहल्ला क्लिनिक, तो कुछ तो बंद हो गए, कुछ बंद होने के कंगार पर ये तो एक बहाना है, वहाँ जाके कह दिया मोहल्ला क्लिनिक बना दिया हमने पंजाब में गोवा में, वहाँ जाके कह दिया 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, जिस घर में जितनी लेडीज हैं उनको 1,000 रुपये महीना देंगे। दिल्ली में क्या दे दिया 7 साल में, कहा था सब कॉन्ट्रैक्ट वालों को लगाएंगे, टीचरों को लगाएंगे, जितने कॉन्ट्रैक्ट पैसों को लगाएंगे, और वहाँ जाके कर पक्की नौकरी देंगे। इनको भी कर दे भाई, ये भी दे, 7 साल हो गए तेरे को, सिर्फ किसी भी मुद्दे पर ले लिए दोनों की नूरा कुश्ती है। और केजरीवाल जी ने तो एक बार कहा था कि मेरे पिताजी तो खुद आरएसएस के थे, कंट्री था मेरे पिताजी खुद आरएसएस के हैं, ये कहा था। ये तो बिल्कुल एक कहानी है, मिलजुल के खा पी रहे हैं, नहीं तो बाकी ये राम राम और हनुमान और ये इनको छोड़ दें और केजरीवाल जी एडवर्टाइजमेंट छोड़ दे, और ये लोगों को जुमले देना ये 5 किलो अनाज आठ दिया, ये कर दिया ये कर दिया, छोड़ दे, कांग्रेस की जितनी सीट आएंगे कि दोनों धरती में लग जाएंगे, इनको वोट काम क्या आएगा, काम कुछ नहीं है। एक तो ये कहता मैं ये इतना अनाज दे रहा हूँ इतना दे रहा हूँ, अरे घर से दे रहा है क्या, ये तो आपात स्थिति में कोई भी सरकार होगी वो देगी जी। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, मनमोहन सिंह जी ने किया था, अगर आदमी को खाने का हक होगा वो वही अनाज जो कांग्रेस पास करके चलेगी उसी को ये बांट रहे हैं। इन्होंने अपना क्या कर दिया, एक राशन कार्ड भी नहीं बनाते, एक किसी की पेंशन नहीं बनती ओल्ड एज की, सब जितनी थी लड़कियों की लाडली योजना थी वो बंद कर दी। लाडली योजना में कोई गरीब आदमी उसकी लड़की बड़ी होती उसको 1-1.5 लाख रुपये कुछ मिल जाता था, वो बंद कर दिया। कन्यादान के पैसे बंद कर दिए, सब चीज़ बंद कर दी इन लोगों ने। ये तो बिल्कुल पता नहीं कि दिमाग में सोच के क्या रहे हैं, ये सब कोई अमीर समझ रहे हैं क्या, ये नहीं पता हमारे देश में कितनी गरीबी है जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये कि लोग कहते हैं कि एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार बहुत है, तो अगर कांग्रेस आती है तो इस टैग को कैसे दूर करेगी। देखो इतना भ्रष्टाचार बढ़ा बढ़ चुका है कि कोई भी आदमी बिगर अछूता नहीं है, आप किसी काम पे चले जाओ आपको मिलेगा भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ेगा। वो एक आप अलग चीज़ है, आपका शक्ल देख कर आपका स्टेटस देख कर वे सोचते यार नहीं, वो आपको वैसे घुमा देंगे 20 बार। इसका सामना यही है भाई, डिले ब्रीड करप्शन, देरी हर काम में नहीं होनी, तुरंत ले भाई पकड़, या तो इसको रिजेक्ट कर या सिलेक्ट कर, रिजेक्ट करता है तो बता इसमें क्या कारण है जी, और सेलेक्ट करता है इसका काम करके दे, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए, जैसे ही हो टाइम बाउंड प्रोग्राम हो और ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए उसमें, और कोई इस टाइप की बात करता है तो उसमें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, अगर चाहता है तो, ये नहीं सस्पेंड कर दिया क्या है, सस्पेंड करके नौकरी मिले बाद में बाल हो के आ जाएगा, तगड़े कदम उठाए जाए और लोगों की टाइम बाउंड प्रोग्राम हो और वो करने चाहिए, उससे कुछ लगाम लगेगी, समय जरूर लगेगा लेकिन कोई चीज़ ऐसी नहीं जो नहीं हट सकती, हट सकती। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, ये थे हमारे साथ महेंद्र खत्री जी कांग्रेस से, जिनसे हमने खास बातचीत की। फिलहाल आज के हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। नमस्कार, धन्यवाद। जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।